सावन के पावन महीने में देश के विभिन्न क्षेत्रों से कांवड़िए जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं और फिर गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर प्रस्थान करते हैं। जगह जगह पर कांवड़िए के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था की गई। डोईवाला में भी क्षेत्रवासियों ने कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। डोईवाला क्षेत्रवासियों ने लच्छीवाला टोल टैक्स पर 3 दिन का विशाल भंडारे का आयोजन कराया। जो लोग दर्शन के लिए जा रहे थे या दर्शन करके आ रहे थे, वो लोग टोल टैक्स पर भंडारे का लाभ उठा रहे थे। कांवड़ियों के लिए नाश्ता, दिन का खाना व रात का खाना, आराम करने की भी पूरी व्यवस्था कराई गई थी। कांवड़ियों में काफी खुशी उत्साह देखने को मिल रहा था। सभी कांवड़िए पूर्ण रूप से भंडारे का लाभ उठा रहे थे। कांग्रेस नेता राजवीर खत्री ने बताया कि 20 साल से हम क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। हमारी संवाददाता आरती वर्मा ने भंडारा स्थल पर पहुंचकर आयोजकों ने इस विशाल भंडारे के बारे में जानकारी दी है। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जी हाँ, आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लच्छीवाला टोल टैक्स के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोईवाला क्षेत्रवासियों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सावन के माघ महीने में यहाँ पर क्षेत्रवासियों ने कितना सुंदर विचार मन में लाया और विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पे कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा पास जाके दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की आवाजाही जो है लगी हुई है और जो भी यहाँ से आने जाने वाले भोले के भक्त हैं सभी यहाँ पर रुक कर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तीन दिन से ये जो है अपना भंडारा जो यहाँ पे जारी है और कल भी रहेगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दखल न्यूज के माध्यम से। मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और दिखाएं उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जो भी ऋषिकेश से दर्शन करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नीलगढ़ से दर्शन करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा कैमरा घुमाएं। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है लच्छीवाला टोल टैक्स के पास। डोईवाला क्षेत्रवासियों द्वारा ही विशाल भंडारे का आयोजन जो है यहाँ पे करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दखल न्यूज के माध्यम से। इसी के साथ मैं आरती वर्मा और आप देख रहे हैं दखल न्यूज। उसकी बात ही 20 साल से हमारे भंडारे का आयोजन हो रहा है और लॉकडाउन के कारण 2-3 साल हम नहीं लगा पाए और इस साल हमने लगाया, तो काफी हर्षोल्लास के साथ लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण माहौल है। और भोले बाबा से ऐसी कृपा चाहेंगे अपने ऊपर कि हम हर साल प्रतिवर्ष जब तक हम हैं तब तक ये भंडारा चलता रहे। बहुत खुशी कांवड़ में देखने को मिल रही है। हम 20 वर्ष से कांवड़ भंडारा लगाते हैं, मरीन लाइन लगाते थे, तो फिर उसके बाद जो है ये हाईवे बनना शुरू हुआ, समझे पुल पार लगाना शुरू किया और 3-4 साल से भटक गए थे। जो भोले शंकर को जो है या हम भटक गए जो भी है, इस साल भोले शंकर का जो आयुष हुआ उस हिसाब से हम लोगों ने अपना काम किया और भंडारा लगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।